नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 26 अक्टूबर को विशाल राष्ट्रीय चिंतन शिविर में संत महंतों के सानिध्य में होगा चिंतन। दिनेश शर्मा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा 26 अक्टूबर को वृंदावन में स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में विशाल राष्ट्रीय चिंतन शिविर ब्रज रत्न सम्मान का आयोजन होगा। इस संदर्भ में आज न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित पदाधिकारी ने बरसाना में लक्ष्मीकांत गोस्वामी उमाकांत गोस्वामी के निवास पर आयोजित हुई बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आह्वान किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाले केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा का उपस्थित जनों ने भव्य स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म स्थान को मुक्त करना ही न्यास का प्रथम उद्देश्य है। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर कथित ईदगाह का निर्माण किया। न्यायालय में हमारे द्वारा सभी प्राचीन साक्ष्य दिए गए हैं। निश्चित ही सनातनियों की जीत होगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ प्रवक्ता राजेश पाठक ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब विधर्मियों की सभी निशानियां इस देश से खत्म होनी चाहिए। चिंतन शिविर में संत महामंडलेश्वर महंत पीठाधीश्वर एवं समाज सेवी भारी संख्या में भाग लेंगे। बैठक का संचालन सुभाष शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से आचार्य बद्री राम विलास चतुर्वेदी मुनेश गौतम अश्विनी शर्मा नरेश सिंह राधेश्याम बाबूजी प्रहलाद चौधरी उमा शंकर गोस्वामी आदि उपस्थित थे। रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं 26 अक्टूबर को वृंदावन में एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। उसमें देश विदेश के सभी साधु संत सभी सनातनी हिंदू भाग लेंगे और उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस के बारे में मंथन किया जाएगा। न्यायालय में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे उन सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाएगा और उसमें सभी साधु संतों का सम्मान किया जाएगा और जो हमारे ब्रजभूमि में जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको ब्रज रत्न उपाधि दी जाएगी। आज यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी सनातन हिंदुओं से अपील है कि सभी लोग 26 अक्टूबर को वृंदावन पधारें। वहाँ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के अंदर जो विवेकानंद ऑडिटोरियम है उसमें शाम को 3 बजे से 5 बजे तक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के समस्त प्रदेश के पदाधिकारी राष्ट्रीय पदाधिकारी पहुँचेंगे और सभी का इसी बात पर मंथन होगा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को कैसे आज़ाद कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर मुगल शासकों ने जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है उस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए न्यायालय में कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत करें, इस बात पर भी मंथन होगा। इस मौके पर सभी सम्मानीय संत महानुभाव और जिले के सभी जनप्रतिनिधि रहेंगे। उसमें आरएसएस के पदाधिकारी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सभी से आह्वान किया गया है सभी लोग 26 अक्टूबर को वृंदावन पधारें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।